कैसे हो प्यारे बच्चों। और कल तो भाई 33% सीएस बन जाने वाले हो। क्यों बन जाने वाले हो? क्योंकि कल आपके जीवन में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम होने वाली है। अभी तक तो बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, बट उन एग्जाम्स का पैसे कमाने से, करियर संवारने से, भविष्य को सुनहरा बनाने से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन कल जो आपकी एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम का जो संबंध है, उस एग्जाम का जो रिलेशन है, वो डायरेक्टली आपके पैसे कमाने से, आपके सपनों को पूरा करने से। तो कल के एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। कॉन्फिडेंस अपने अंदर ढेर सारा रखिए, क्योंकि आप सब लोगों ने ढेर सारी मेहनत की है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों ने मेहनत बहुत सारी करी हुई है, ठीक है? सो जब आपने मेहनत बहुत सारी की है, तो प्लीज डरिएगा मत, पैनिक मत करिएगा, किसी भी तरह की गलत तरीकों का इस्तेमाल एग्जाम में मत कीजिएगा। क्योंकि जो एग्जाम है वो रिमोट मोड से हो रहा है। रिमोट मतलब आप कहीं और बैठते हैं, एग्जामिनर कहीं और होता है, और कंप्यूटर के थ्रू आप एग्जाम देते हैं, राइट? तो बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा लगता है कि चलो यार थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं, इधर उधर देख लेते हैं। आप जैसे ही इधर उधर अपनी मुंडी घुमाते हैं, बच्चों वो जो कैमरा है, जो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है, वो इस चीज को कैप्चर कर लेता है और आपका रिजल्ट नहीं आता। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ईमानदारी से एग्जाम दीजिएगा। पेपर जैसे कि आम तौर पे हमने देखा है, सीएसईईटी का पेपर काफी आसान होता है। बिल्कुल आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर काफी अच्छा होगा। लेकिन एक ही चीज याद रखिए, आप प्लीज ये मत सोचिए कि मुझे सब कुछ भूलता जा रहा हूं, मैं सब कुछ भूलता जा रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। आपके दिमाग में सब कुछ याद रखा हुआ है। आज अच्छा एक चीज कीजिएगा, आज के बाद से अभी से एमसीक्यू सॉल्व बिल्कुल भी मत कीजिएगा, सिर्फ थियोरी रीड कीजिए। जितना आप चीजें रीड कर सकते हैं आप उतना रीड कीजिए। आप सबको पता है कैलकुलेटर ले जाना अलाउड नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए कैलकुलेटर के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगेन मैं एक ही चीज कहूंगा, डरना नहीं है, पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर देना है। हो सकता है शुरू के 3-4 क्वेश्चन आपसे ना बने, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, आराम से आपको पेपर सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सबको ये चीज पता ही है, ठीक है? इलीगल चीज, नेगेटिव चीज, जो गलत चीजें हैं उनका तरीका मत किया, उनको फॉलो मत कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम खत्म होने के बाद किसी के साथ भी, वैसे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है, एग्जाम खत्म होने के बाद किसी के साथ भी क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा मत कीजिएगा, किसी से आंसर डिस्कस मत कीजिएगा। और 5-6 दिन का टाइम आपको बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है अपने एग्जीक्यूटिव की प्लानिंग, लगे तो 2-3 दिन की आप कहीं बाहर जाके आ जाइए, उसके बाद पूरा समय आप अपने एग्जीक्यूटिव की प्लानिंग में दीजिए। क्योंकि बच्चे देखिए, आप सबको पता है सीएसईटी में आप लोगों ने पढ़ाई तो की, बट काफी इजी कंसेप्ट थे, इजी सिलेबस था, बट एग्जीक्यूटिव में ना काफी वास्ट सिलेबस है, आपको बहुत सारा लिखना पड़ता है, रिजल्ट बहुत कम आता है एग्जीक्यूटिव में। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है बच्चों। तो जैसे ही आपका सीएसईटी का एग्जाम होता है, 3-4 दिन का ब्रेक लीजिए और उसके बाद एग्जीक्यूटिव की प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए। जी हाँ बच्चों, बिकॉज जो सही लड़ाई है वो आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के लेवल से शुरू होती है, ठीक है? सो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और बच्चों शेर की तरह एग्जाम में जाना, याद रखना, 1, 2, 5, 6 क्वेश्चन ना बने तो भी अपने दिमाग के ऊपर पूरा यकीन रखना, अपने माता पिता के आशीर्वाद के ऊपर पूरा यकीन रखना, आपका पेपर बेहतरीन जाएगा, ठीक है? चलिए, सो मेरी तरफ से, सुपान सर की तरफ से, आई कैन अकेडमी के पूरे परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको आशीर्वाद, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक है? गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे हमेशा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, और नहीं भी है तो आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।